खुद से हार जाता और खुद ही से जीत जाता हूँ, पर अब मौका नहीं दूंगा कोई दे मुझको शिकस्त। जिंदगी अब के मेरा नाम ना शामिल करना, अगर ये तय है कि यही खेल दोबारा होगा। चेकमेट। अब ये पलटेगा सारी बाजी। दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था, सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी। तुमसे तो कोई राह निकाली नहीं जाती। जिस शख्स को वो आज तलक पूछते रहे, समझाए कोई उनको खुदारा फरेब था। मांगे तो अगर जान ही हंस के तुझे देते, तेरी तो कोई बात भी डाली नहीं जाती। असाम सर, कॉल आई थी तुम्हारी। जी सर, मैं यही कह रहा हूँ कि सर देख लें मुझे किस तरह के केसेस में फंसा दिया सर। जी सर, लेकिन आप खुद देखें सर, एक छोटे से गांव में जाकर एक बंदे को तलाश करना सर, सर ये तो कोई भी कर सकता है सर, आप मजीद से करवा लें। तुम्हारा ये एटीट्यूड ही तुम्हें खड़े लाइन लगाता है। मैंने कहा ना मैं कर रहा हूँ, अब जो बोला है वो करो। राइट सर। गाड़ी निकालो। आ गया। उसी को तलाश करने आया हूं। क्या नाम था जनाब का? सरगुल। किसी से पैसे लेके तो नहीं भागा? मेरा बेटा ऐसा नहीं था। शुरू में सब यही कहते, तफ्तीश तो करनी पड़ेगी ना। तफ्तीश? वो तो मुजरिम का होता है, मेरा बेटा तो मुजरिम नहीं था। लापता होने से पहले उसने आखिरी दफा आपसे क्या बात की थी? वो बहुत कम बात करता था। 5 साल की उम्र से उसने कम बात शुरू किया। क्यों? पोलियो था उसको। तो कतरे पिलाने थे ना? हाँ, अल्लाह बख्शे, खांजी से भी मुझे यही गिला था। हाँ, मेरा बेटा तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मेरा बेटा जरगुल कब जल्दी ठीक होगा? देखिए, अब आपका बच्चे का पांव कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब, हम आपका बहुत इज्जत करता है, इसका ये मतलब नहीं जो मुंह में आया आप बोल दे। हमारा बेटा तड़प रहा है बुखार से, देखो कैसा चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अरे खान साहब, आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं तो बस वैसे। बस ठीक है, इसको कोई दवा दे, अगर नहीं है ना तो कोई मसला नहीं, हम हकीम साहब से दवा ले आएगा।
डॉक्टर थोड़ी बचाता है, इंसान को ऊपर वाला बचाता है। डॉक्टर और दवा ना भी हो ना, जितना जिंदगी है उतना जिएगा बंदा। अभी बोलो, है कोई दवा? ये वक्त ही दवा लेकर आऊं, मगर नुकसान हो चुका है। फिर वही बकवास डॉक्टर। अरे खान साहब, आप गुस्सा क्यों हो रहे? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि काश अब अपने बच्चे को पोलियो के खतरे फैलाते। पोलियो वोलियो कुछ नहीं होता। खान साहब ये देखे, आपने जो मेरे कहने पर पोलियो के टेस्ट करवाए, उसके रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इस बच्चे का पोलियो हो गया है। डॉक्टर से अपना ये नुस्खा भी ले जाओ, और नहीं चाहिए तुम्हारा दवाई भी, जाओ ले जाओ। बड़ा आया पोलियो। सही कहता था डॉक्टर, अगर हमने इसको दो पोलियो के कतरा। बस जब बंदी नहीं बांधा तो सलाब और तबाही से कैसे बच सकते हैं? आप जिसका कमरा दिखा सकती हैं? हाँ आओ। चलिए। सॉरी सर। आप बाहर वेट करें। इब्ने सफी, रहीम जान आया है, जरगुल का दोस्त। मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। ये डायरी में रख रहा हूँ तफ्तीश के लिए। हाँ, ये रहीम जान है, जरगुल का बचपन का दोस्त। अच्छा, तो तुम उसके दोस्त हो? जी साहब। अच्छा 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 अच्छा, आओ आजो आजो आजो। मुझे सच सच बताओ, उसका गांव में किस किस के साथ झगड़ा था? साहब, झगड़ा करने के लिए दोस्ती होने चाहिए, उसका तो कोई दोस्त ही नहीं था मेरे अलावा। तो तुम कैसे उसके दोस्त बने? साहब, जब क्लास नई नई शुरू हुई थी, स्कूल में हुई थी। प्यारे बच्चों, अपनी अपनी किताबें खोलो। जरगुल, जितनी देर में तुम क्लास में आते हो, सारी क्लास बैठ चुकी होती है। बेहतर यही है कि तुम पिछले दरवाजे से आकर वहीं पे बैठ जाया करो। मेरे पास आ जाओ। जब तक ये क्लास में आके बैठते हैं, तब तक तो पूरी क्लास ही खत्म हो जाती है। तमाम शहर ने मुझ पर कसी हैं आवाजें, तमाम यार आज अजनबी लगे हैं मुझे। ये बात तो समझ में आ गई कि उसने अपनी खुद एतमादी बचपन में ही खो दी थी। जानना मैं ये चाहता हूं कि उसने किसी के साथ दोस्ती नहीं की, या फिर किसी ने उसको अपना दोस्त बनाया नहीं। ऐसा नहीं है साहब जी, उसे बचपन में क्रिकेट का बड़ा शौक था,
लेकिन अपनी कमजोरी की वजह से सब लोग उसे रेलुकट्टा बना देते थे। मुझे रेलुकट्टा नहीं बनना है, मुझे एक तरफ से खेलना है, मुझे बैटिंग करनी है। एक तो तूने मेरी जिंदगी आजाद की हुई है, शाटे मारनी है, जा ओपनर जा शाटे मार के दिखा, देखता हूँ कितनी शाटे मारता है। अरे भाई अफ्रीकी बनने के लिए टांगे चाहिए होती हैं, देखते हैं कितनी। ये किधर जा रहे हैं? तू से छोड़, तू जा बैठे। शोर ऐसे है जैसे कि जख्म जख्म हो और नमक की कान से हमको गुजरना पड़ जाए। सर ये सैंपल की पिसाई की। ये कहां से मिली तुम? दरिया के पास। हमें ले चलो। सर वहां नीचे से मिली है मुझे। Not missing. तुम जितनी बातें बता रहे हो वो सब बहुत पुरानी हैं। इन सारी बातों में से भी दो पहलू हैं। नंबर एक, या तो सरगुल ने खुदकुशी की, नंबर दो, या फिर किसी ने उसको धक्का दिया है। अमूमन ऐसा पैसे के लेन देन में होता है, लेकिन अगर उसको धक्का देके मार देंगे तो फिर पैसे कैसे मिलेंगे? फिर क्या मोहब्बत में नाकाम, या फिर खुदकुशी, या फिर किसी रकीब ने रास्ते से हटाया? मुझे एक बात बताओ, क्या उसको किसी लड़की से कोई प्यार, इश्क, मोहब्बत? इतना बड़ा कदम तो इंसान सिर्फ तभी ले सकता है जब मोहब्बत में दिल टूटा। मोहब्बत तो उसे शदीद हो गई थी साहब, जान देने लगा था उस पर। तो क्या मैं इस जान के बारे में जान सकता? आजा आजा सरगुल, तेरा ही इंतजार कर रहा था। कैसा है तू? अच्छा तो थोड़ी देर यहाँ पर बैठ, मैं जरा लाल वाला छुड़ी है वो खत्म हो गई, वो मैं लेके आता हूँ, ठीक है? अच्छा इस
किस रंग की नेल पॉलिश होगी आपके पास? इस रंग की तो नहीं है, आप ये गुलाबी वाली ले जाएं, अच्छी लगेगी। अच्छा ले जाएं, अगर पसंद ना आए तो वापस कर दीजिएगा। पैसे देंगे वापस? आप ले जाएं, अगर पसंद आ जाए तो पैसे दे दीजिएगा, वरना वापस कर दीजिएगा। नहीं नहीं, आप पैसे ले लें, अगर पसंद आया तो रख लूंगी, ना आया तो वापस कर दूंगी। नहीं आप ले जाएं, ऐसा कोई आपका रंग अच्छा है, आप पे सारे रंग अच्छे लगेंगे। सच्ची, मेरी सहेलियाँ भी यही कहती हैं। उनकी बातों में ना जाया करें, क्या पता वो झूठ बोलती हैं। आप मेरी सहेलियों के इतने खिलाफ क्यों हैं? मैं क्यों खिलाफ हूँगा? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि लोग अक्सर दिल में कुछ और मुँह पे कुछ होते हैं, तो बेहतर यही है कि अपने फैसले खुद किया करें। तो फिर जो आप मुझे नेल पॉलिश और लिपस्टिक का कलर पसंद कर देते हैं, तो ये आप पर अच्छा लगेगा, तो क्या आप झूठ बोलते हैं? मेरी बात और है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। क्यों? क्यों नहीं बोल सकते झूठ? क्योंकि मैं आपकी सहेली नहीं हूँ ना। ठीक है, फिर जो रंग आपको पसंद है वही पहना दे। ये रंग। वैसे एक बात तो है, आप जो कलर भी पसंद करते हैं वो मुझ पर बहुत जचता है, चाहे वो नेल पॉलिश हो, लिपस्टिक हो या चूड़ियाँ हो, सब बहुत ही अच्छी लगती है। असल में मैं हसरत से नहीं, हसरत से पहनाता हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब है मैं आंख से नहीं दिल से रंग पसंद करता हूँ, जो आप पे अच्छा लगे। शायद इसीलिए अच्छा भी लगता है। कितने पैसे हुए? वही जो हमारे बीच तय हुआ था, पहले घर ले जाए और अगर पसंद आए तो कर लेंगे। ठीक है, वैसे आप एक बात तो बताएं, आप हर किसी को इसी तरह चूड़ियां नेल पॉलिश देकर घर बेच देते हैं कि जब चाहे पैसे दे दे? नहीं, सिर्फ उनको जो मेरी पसंद की चूड़ियां पहनते। और अगर वो वापस ना आए तो आपका दुकान तो बंद होके रह जाएगा। हाँ, अगर ये दुकान मेरी होती तो। हो, जब लड़का और लड़की मिलते हैं तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है? मेरा कहने का मतलब ये कि तुम कह रहे हो कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते, फिर मसला कहाँ? बताता हूँ साहब, कुछ और मुलाकातों के बाद पलवशा ने एक दिन जरगुल को बुलाया। कहाँ? बाग में। See you. तुम्हें तो पोलियो है। क्या हुआ पलवशा? उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, मैं भागता हूँ, खेलता हूँ, सब काम करता हूँ, तुम परेशान ना हो। लेकिन क्या पलवशा, तुम्हें नहीं पता है पलवशा, मैं क्रिकेट ही बहुत अच्छी खेलता हूँ, हमको दोनों टीमें आपस में खिलाने के लिए लड़ाई। तुम समझ नहीं रहे हो जरगुल, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तुम समझाओ ना उनको, मतलब बताओ ना उनको कि यार मैं ठीक हूँ, सही हूँ, मैं सारे काम कर लेता हूँ। देखो मैं चलता कितना तेज हूँ, तुम ये देखो तुम चल के दिखा। फिर जिंदगी पलट के ना आई मदार में, जिसको भी हमने टूट के चाहा फरेब था।
जलते हुए चिरागों ने बुझते हुए कहा, उठिए हजूर वाला के किस्सा तमाम शत। किरदार देखने लगे एक दूसरे का मुंह, यकदम ही हो गया है फसाना तमाम शुद्ध। ये सारा वाकया जरगुल की रिजेक्शन ये कितना अर्सा पहले हुआ था? तकरीबन 3 महीने हो गए। 3 महीने के बाद वो खुदकुशी क्यों करेगा? मतलब कि इसके बाद भी कुछ हुआ था? मुझे बात बताओ, जरगुल ने इस वाकये के बाद तुमसे कोई बात की थी? मुझे जरगुल ने बताया था कि इस पूरी वाकये के बाद वो इमाम साहब के पास चला गया। मुझे इमाम साहब से मिला सकते हो? जी साहब। जिस शाम उसका दिल टूटा था सुना है वो आपसे मिलने आया था? हाँ, मिलने आया था, वहां बैठा था। क्या कह रहा? शिकवा कर रहा था। शिकवा? और आपसे? मुझसे नहीं, अल्लाह ताला से। आंखों से मेरी इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती। अब उम्र ना मौसम ना वो रास्ते कि वो पलटे इस दिल की, मगर खाम ख्याली नहीं जाती। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम। अल्लाह तबारक व तआला तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है अपनी मखलूक से, तो फिर मेरा क्या कसूर था मौली साहब? असल में तो ये फैसला इलाके के बड़ों ने किया था कि हम अपने इलाके में किसी बच्चे को पोलियो के कतरे नहीं पिलाने देंगे। वो इसे साजिश समझते हैं, इसलिए कहते हैं हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। आपने भी नहीं समझाया? मैंने समझाया बेटा, बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और अपना फैसला सुना दिया। हमारे साथ जो कुछ हुआ उन्हीं फैसलों का नतीजा। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। का मतलब है कि उसने गांव के बड़ों को अपनी हालत का जिम्मेदार मान लिया था, तो गिला भी उन्हीं से हुआ ना? बिल्कुल सही समझे आप। पिछले दिनों फिर से खबर आई है कि हमारे इलाके में फिर से पोलियो वायरस का खतरा मौजूद। तो फिर क्या हुआ? वही सारे बड़े सर जोड़ कर बैठ गए। उस वक्त इस जिरगे में जरगुल भी आता। हाँ जी, मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है और बहुत से वीडियोस देखे हैं। ये सब साजिश है जरगुल, मेरे बच्चे, ये सब साजिश है। मुझे पता है वो लोग पोलियो के बहाने इस गांव में आकर बड़ी खराबी पैदा करना चाहते हैं। खराबी? खराबी और बर्बादी तो जब होगी जब बच्चे पोलियो कतरे नहीं पिएंगे। बड़ों से बहस और बदतमीजी नहीं करते जरगुल। तुम अभी ना तजर्बेकार हो, जो मर्जी पढ़ लो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि दुनिया कैसी कैसी साजिशें करती है। हमारी उम्र को पहुंचोगे ना तब समझ आएगी कि बुजुर्गों के किए हुए फैसलों में हमेशा भलाई होती है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप लोग उनको इस गांव में आने दें। हरगिज नहीं, हम उन पोलियो वालों को उस वक्त तक इस गांव में आने की इजाजत नहीं देंगे जब तक वो हमारी डिमांड्स पूरी नहीं करते। डिमांडे? आप लोग डिमांड की बात कर रहे हैं? आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में। आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए डिमांडे रख रहा हूं बच्चे। कहा ना, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे ज्यादा हम लोग फैसले कर चुके हैं। फैसले? मैं हूं नतीजा आप लोग के फैसले का। तुम तो बहुत बदनसीब हो, हमारे फैसलों का नतीजा नहीं हो, वक्त का लिखा हो। हां जी, आप सिर्फ मेरी बस सर्कल।
जेब। फैसले जज्बात से नहीं बल्कि अकल से किए जाते हैं, और अगर बर वक्त उस फैसले ना किए जाएं तो मुसीबतें अपने कदम जमा लेती हैं। जिरगा बर्खास्त किया जाता है। खिजा के जबर तो सीने पे रोक लेते हैं, हमें उदास पहाड़ों से खौफ आता। मिले हैं दोस्तों पे साखियों से गम इतने, मेरे बदन को सहारों से खौफ आता है। एक काम करो, उन तमाम लोगों को वहां पे इकट्ठा करो जहां से वो गिरा था। तमाम लोगों को? उन तमाम लोगों को जिनकी वजह से उसने ये किया। आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि आज आप सब लोगों को यहां पर क्यों इकट्ठा किया गया। हमें नहीं मालूम क्या मसला आ गया है। गांव का एक नौजवान जो कि कुछ दिनों से गायब है, वो तो नहीं मिल सका, लेकिन उसकी गुमशुदगी के जिम्मेदार लोग जरूर मिल गए। एक मिनट, कौन है वो लोग? हम उन्हें सजा देंगे। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपने आप को सजा देना है। क्या मतलब? इंस्पेक्टर, हम किसी से नहीं डरते, चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। हमारा बच्चा गायब हुआ है और हम इसके जिम्मेदारों को हर कीमत पर सजा देंगे। और सजा देना हम जानते हैं, हम जुर्म के मुताबिक सजा में भी इंसाफ करते हैं। आप लोगों को पता है कि ये केस लेने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्या था इस केस में? एक छोटा सा गांव जहां पे एक पोलियो ज्यादा शख्स गुमशुदा है, उसको जाके ढूंढूं, क्या मिलता हूं? एक नौकरी बस। लेकिन तफ्तीश के दौरान जो इस बात का एहसास हुआ, हम में से कोई भी गैर जरूरी नहीं है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम जिसको नकारा समझते हैं, तुत्कारते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, असल में उसके ना होने से हमारी जिंदगियां खाली होती हैं। सोचो कि अचानक आसमान से चांद गायब हो जाए, रात से सितारे चले जाए, अधूरापन महसूस होगा ना। इसी तरह वो लोग जो बजाहिर अधूरे होते हुए भी वो फिर भी हमारे माशरे को मुकम्मल करते हैं, हमें मुकम्मल करते हैं। पजल समझते हो? पजल, उसका एक टुकड़ा भी अगर गायब हो जाए तो वो पजल मुकम्मल होने के बावजूद भी नामुकम्मल रहता है। इसी तरह तुम सब लोगों की तस्वीर नामुकम्मल है, क्योंकि तुम सब लोगों ने उस एक अहम टुकड़े को मार दिया है। कहां है वो, बताओ, हम उन्हें सजा देंगे। तुम हो, तुम ने मारा है, तुम सब लोगों ने मारा है। इंस्पेक्टर, ये तुम क्या कह रहे हो? जहालत, तुम लोगों के फैसलों ने, तुम लोग यना ने। इंस्पेक्टर, ये तुम क्या कह रहे हो? वो बच्चा हमारा खून था, हमारे इलाके का था, हम कैसे मार सकते हैं उसको? जहालत कम अकली को खा जाती है, अना मोहब्बत को, और कम इल्मी दलील को खा जाती है। इस गांव ने तो उसे मोहब्बत करने का भी हक नहीं दिया। बात बताओ, शादी के बाद एक्सीडेंट में अगर किसी की टांग जाया हो जाए तो क्या मियां बीबी एक दूसरे को छोड़ देते हैं? साथ रहते हैं ना, खुश भी रहते हैं। जाहिरी खदो खाल देखने वाले लोगों को कभी भी सच्चा इश्क नहीं मिला। वो बेचारा मरा नहीं, आप सब लोगों ने उसे मारा है।
कातिल हैं आप लोग। लेकिन जाने वाला चला गया, लेकिन एक सवाल छोड़ गया कि क्या इस गांव में जैसा जरगुल के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ भी होगा। ये वो सवाल है जिसका जवाब आप लोगों को देना है। ये सच है कि उसकी मौत ने हमारी आंखें खोल दी है। आज एहसास हुआ कि हम पड़े तो हैं लेकिन गलती हमसे भी हो सकती है। और इंस्पेक्टर, गलती को तस्लीम करना तो बहादुरों का काम होता है, और जब गलती हो जाए तो उसका कफारा भी हो सकता है। और इस गलती का कफारा यह है कि जो बिगड़ गया है उसे ठीक कर लिया जाए। मैं ऐलान करता हूं कि आज के बाद इस गांव में हम पोलियो टीम को खुले दिल से खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर। अब आपके इस वादे पे पूरे गांव का मुस्तकबिल मुनसिर है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं ये डायरी रख सकता हूं? बेटा तो मैंने खो दिया है, मैं तो अनपढ़ हूं, मैंने इस किताब का क्या करूं। हाँ, वो एक और किताब भी बहुत शौक से पढ़ता था, शायद तुम्हारे काम आ जाए। इब्ने सफी, मुझे बात बताएं कि गांव वाले गांव से बाहर जाने के लिए किस तरह सफर करते हैं, क्या करते हैं? लोग तो ज्यादातर बस में जाते हैं। कोई और तरीका, कोई ट्रेन वगैरह कुछ और? लोग इसीलिए बस में जाते हैं क्योंकि ट्रेन एक दफा जाती है। कितने बजे आती है वो ट्रेन? आधा घंटा, 6 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गाड़ी निकाल। बादशाह के बगैर खेल ना मुकम्मल। मैं जानता था आप जरूर आएंगे, इस केस को ऐसे ही हल करेंगे जैसे मेरा गुमान था। तो ये सब कुछ तुम अपने सामने होता हुआ देखना चाहते थे? केस तो अब हल हो गया, फिर अब कूच करने की वजह? उम्मीद, दोहरी उम्मीद। उम्मीद, बाज़ औक़ात उम्मीद दिलाने के लिए मायूसी को बेनकाब करना पड़ता है। लेकिन ये सब कुछ तो तुम गुमशुदा होकर भी कर सकते थे, तो फिर ये मरने का ड्रामा क्यों? इंसान की एक फितरत है, जब तक कोई हादसा ना हो जाए उसको उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं। तो इस बात का एहसास दिलाने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया? इस्तेमाल नहीं किया, आपकी मदद हासिल की है। तुम्हारी मां, उसके बारे में क्या सोचा था? गुमशुदा रहता तो
सारी जिंदगी इंतजार करती, रोज जीती रोज मरती। कभी कभी जीने के लिए उम्मीद का टूटना भी बहुत जरूरी होता है। वाह, अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर जिएगी कैसे, ये कभी सोचा? चल, जब चाहूंगा जिससे चाहूंगा आकर मिल लूंगा। और गांव वाले? उम्मीद का दूसरा पहलू, तो तुमने मर के अपने आने वाली नस्लों को उम्मीद दी कि आज के बाद तुम्हारे गांव में कोई भी पोलियो से मुतासिर बच्चा पैदा नहीं, और उसमें तुम जीत गए। चेकमेट। आप इतने ज़हीन नहीं होते तो कभी आपसे मदद हासिल नहीं करता। अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे तुम पे फख्र है। लोग इन बच्चों को जो पोलियो के कतरे पिला रहे हैं, इसकी कोई एक्सपायरी डेट भी होती है? जी सर, बिल्कुल होती है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये वैक्सीन दुनिया की सबसे मारूफ और मुस्तनद फार्मा कंपनी जो है वो इसको तैयार करती है। और जितने भी हमारे इस्लामी ममालिक हैं, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, तुर्की, मिस्र, ये वैक्सीन वहाँ पर भी पिलाई जाती है। बहुत खूब।